you <laughs> जी, गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश, आदेश, आप सभी हन हन दुष्टन को प्राण नाथ हाथ गहो प्रकट मही तल मिटावो सब शोक को हमें जो सतावे जन काम मनोवाक्य ते वार, वार तिनको पठाओ यम लोक को भवन मसान करो संतत श्री गाल रोवे रुदिल कपाल धरो उग्रशूल चोक को भैरो महाराज काज आज ए ही करो शरण तिहारी वेग माफ करो चूक को पिछले साल भी एक मंत्र दिया था शत्रुओं के लिए इस बार फिर दे रहा हूँ पिछली बार पूरा नहीं बताया था इस बार बता रहा हूँ स्तंभन मंत्र शत्रुओं का खुश मत हो जाओ कि शत्रुओं को नाश कर देंगे स्तंभित कर देंगे इस मंत्र से शत्रु कुछ भी करेगा तुम्हारे विरुद्ध तो उसका वो कार्य स्तंभित हो जाएगा मतलब शत्रु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा ये भगवती का आसुरी रूप का मंत्र है इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा आटा थोड़ा सा राई सरसों का तेल गूगल का धूप काला वस्त्र काला आसन दक्षिण दिशा नवरात्र का समय अष्टमी नवमी का निशा वाला समय या फिर कोई भी अमावस्या ठीक है इतने सामान को ले लो सबसे पहले जो आटा रखा है उसमें उससे एक पुतला बनाओ अपने दुश्मन का उसमें कोई एक सामान उसका डाल दो छोटा सा कलम हो या कुछ भी उबाल हो फिर राय के दाने से उसका आँख नाक मुंह बनाओ उसको सामने रखो ठीक है उसके बाद आसन पकड़ो आसन मंत्र बोल के बैठोगे कर आसन सुलभ रक्षती बाल तुम्हारा आसन आस रक्षा करे भैरव काल नव रक्षा माँ शमशान वासी प्रथम नमन गुरु आसन ऐसा बोल करके आसन पर बैठ जाओ उसके बाद उस पुतले को सामने रखो ठीक है अपने आपके जो भी जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है उसका नाम ले करके उस पुतले को सामने रखो और बोलो ओम आम ह्रिम उसके बाद अमुक पुरुष का प्राण इस पुतले में आवे ऐसा सोच लेना है ऐसा बोल देना है पहले मंत्र बोलना है ओम आम ह्रिम ठीक है इतना करने के बाद जो आपने स्थान बनाया है भगवती के लिए ठीक है क्योंकि भगवती की पूजा है तो आप एक दीपक जलाओ भगवती के नाम का और भगवती का जो त्रिपुंड यंत्र होता है वो वहाँ पे बना के बीच में लिखो क्रिम, फिर माँ भगवती का ध्यान करो तो माँ का ध्यान कैसे करोगे तो माँ का ध्यान हृदय में होगा हृदय में तुम देखोगे कि एक बहुत बड़ा मस है श्मशान है उसमें चारों तरफ जो है भूत प्रेत वो नाच रहे हैं और बीच में एक रत्न का सिंहासन है उस पर महादेव लेटे हैं ऊपर भगवती मुंडमाल हारण करके अति सुंदर भगवती खड़ी है ठीक है और उसके बाद भगवती जो है वो कपिल वर्ण की है चतुर्भुजा है बाएं हाथ अभय मुद्रा में है और दाहिना हाथ जो है वो वरदान मुद्रा में है शक्ति और तलवार जो है दोनों हाथों में उन्होंने धारण कर रखा है ठीक है मुंडमाल के अलावा मोतियों की हार से विभूषित है और पद्मासन में देवी बैठी हुई है ठीक है काली और इनके रूप में यही अंतर होगा कि पद्मासन के में ये बैठी रहती हैं काली जो है वो खड़ी रहती है इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक ध्यान पूरा ना हो तब तक इस विधान को पूरा नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि जैसे आप ये ध्यान कर ले रहे हैं कि भगवती बैठी है आपको ये ध्यान करना है कि आप भगवती के कान में जा कर के उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि उसने आपके साथ क्या गलत किया है अगर आपके साथ किसी ने गलत नहीं किया आप चाहोगे उस पर स्तंभन चलाना तो प्रयोग नहीं हो पाएगा उलट जाएगा आप ही स्तंभित हो जाओगे और उसके बाद आपको कोई नहीं बचा पाएगा इसीलिए जिसने गलत किया है उसी को स्तंभित करना उसके कार्यों को स्तंभित करना कि तुम्हारे विरुद्ध जो कार्य कर रहा है वो स्तंभित हो जाए तो भगवती के कान में जा के वो बोल देना है कि भगवती इसने मेरा ये बुरा किया है तो इसलिए मैं इनका स्तंभित कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद मंत्र का आपको करना है 2000 जाप और साथ में 100 हवन मतलब पूरा मिला के इक्कीस सौ मंत्र सुनिए स्तंभ ने कपिलाम चतुर्भुजाम वामे भयवरदाम दक्षिणे शक्ति खडगौ दधतिम मुक्ता हार विभूषिताम पद्मासना संस्थिता ध्यात ठीक है ये जो अभी बताया ये भगवती का ध्यान या प्रणाम मंत्र है ये हर माला के पहले आपको करना है मान के चलो आप बीस माला कर रहे हो तो हर माला से पहले आप ये ध्यान मंत्र करोगे और हर बार भगवती का ध्यान करके जो विधान बताया है वो उनके कान में जा कर के बोलना है मंत्र क्या है जो मंत्र आपको जाप करना है वो है ओम कुटके कुटक पत्रे सुभगे असुरी रक्त रक्तवासिससी अर्थवर्णस्य दुहिता अमुख स्तंभन कुरुकुरु हुम्फट स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना है जाप करने के बाद आप 108 इसका हवन करेंगे और हवन सामग्री में कुछ बहुत विशेष नहीं जो भगवती का हवन होता है उसी से हवन होगा लेकिन अंत में आपको तीन बार कारण भगवती को अर्पित करना है भैरव बाबा को भोग देना गुरु का भोग देना ना भूलें आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे बेसिक पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं उसमें मैं बंधन मंत्र आसन मंत्र भैरव मंत्र और जो भी गुरु मंत्र से पहले का जितना विधान है वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ तो उससे जुड़ने के लिए मेरे नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव पर मैसेज कर सकते हैं तो आगे का आपको प्रोसेस पता चल जाएगा जिनको बात करना है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र से डॉट एक्स वाई जेड उसमें जाके अपॉइंटमेंट मिल सकता है इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइएगा उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल देख लगा ये ऐप आप लोग ऐप स्टोर और गूगल प्ले दोनों तो पे मिल जाता है इसको डाउनलोड कीजिए इसमें मेरा नाम सर्च कीजिएगा तो हम मिल जाएंगे नवरात्र चल रहा है एक विधान में अभी आप लोगों को दूंगा जो तीन दिन में सिद्ध होता है आ, कल या परसों में वो वीडियो है आज के लिए इतना ही माँ भगवती आप लोग कृपा पर शांति रहे ऐसी में एक आप सभी को आदेश आदेश अलग खाले